व्याघ्रेश्वर का गर्व दंडकारण्य के निकट एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था भागपुर वहाँ पर राजा व्याघ्रेश्वर भूपति का शासन था अपने नाम के अनुरूप व्याघ्रेश्वर काफी प्रचंड प्रकृति का था राजा का नाम वैसे तो व्याघ्रेश्वर था लेकिन एक ब्राह्मण ने उसकी प्रशंसा में उसे साक्षात भगवान कहा ही था व्याघ्रेश्वर गर्व से ऐठ गया उन्हीं दिनों बागपुर में एक योगी आया लोग उसे योगीराज कहते थे और बड़े भक्तिभाव से उसके प्रवचन सुनते थे राजा के गुप्तचरों ने यह बात राजा तक पहुंचा दी और कहा कि भगवान के बारे में राजा के जो विचार है यह योगीराज लोगों से उसके भिन्न पता रहा है यह सुनते ही व्याघ्रेश्वर ने अपने सैनिकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे तुरंत योगी को उसके दरबार में पेश करें सैनिकों योगीराज को लाकर राजा के सामने पेश कर दिया योगीराज को देखते ही राजा ने अपनी आंखें तरेरी और उससे कहा जानते हो मैं भूपति हूँ भूपति सम्राट होता है हमारे दरबारी पंडित चूड़ामणि ने बहुत पहले ही हमें बताया था कि जो भूमि का पालन करता है वही साक्षात भगवान होता है हमने सुना है कि तुम किसी दूसरे भगवान का हमारी प्रजा में प्रचार कर रहे हो जो हमारा सरासर अपमान है हम तुम्हें अभी मृत्युदंड देकर तुम्हारा यह प्रचार समाप्त कर देते हैं राजा की बात पर योगीराज को हंसी आ गई बोला राजन मैंने सुना है आपके पास इस सर्वज्ञ मणि के अलावा दो मंत्री भी हैं जो बड़े विवेकवान हैं मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ उनका उत्तर सुनने के बाद आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं व्याघ्रेश्वर भूपति इस सुझाव को मान गया तब योगीराज ने तीन ताड़पत्र मंगवाए और उन पर एक ही प्रश्न लिखा मिट्टी का क्या अर्थ है एक मंत्री ने लिखा था मिट्टी से ही धरती का निर्माण हुआ है दूसरे मंत्री का उत्तर इस प्रकार था मिट्टी जल से भिन्न पदार्थ है और उस सर्वज्ञ ब्राह्मण ने उत्तर इन शब्दों में व्यक्त किया मिट्टी वह पदार्थ है जो समस्त प्राणियों चल अचल को भी आश्रय देता है योगीराज ने वे ताड़पत्र राजा वैगेश्वर भूपति को भी दिखाए और कहा राजन अब आप स्वयं ही देख लीजिए विवेकवान और प्रखंड विद्वान भी एक साधारण से पदार्थ मिट्टी के बारे में भिन्न विचार रखते हैं भगवान तो आखिर भगवान है तब उसके बारे में एक जैसे विचार प्रकट करना क्या संभव है व्याघेश्वर भूपति कुछ क्षणों तक मौन रहा फिर वह अपने सिंहासन से नीचे उतरा और योगीराज के पाँवों पर गिरकर बोला महात्मा आपने एक साधारण से प्रश्न से मेरे आंखें खोल दी सत्य अब मेरी समझ में आ गया है मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए योगीराज को राजा पर स्नेह आ गया उसने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया